बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा शहर, हमारे लोग नमक वाले कड़क पराठे के साथ नाश्ता करना अब कराची वालों का मामूल बन गया है। तहरीर हमजा जबीर। तेज मीठी चाय और नस्बतन ज्यादा नमक वाले पराठे के साथ नाश्ता करना अब कराची वालों का मामूल बन गया है। सुबह के अलावा शाम और रात को भी ये शौक से खाए जाते हैं। कराची में कोयटा के नाम से कायम चाय के आवाम होटलों में ग्राहकों का रश देखने वाला होता है। चाय के कपों से फूटती गर्मा गर्म बाम भाप, चीनी की मजे से सजी दूध की मोटी बलाई और अंडा आमलेट की खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींचती है। आम दिनों में इन होटलों पर आकर खाने वालों का रश मामूल है, जबकि इतवार या किसी छुट्टी वाले दिन पार्सल लेने वालों की भी यहाँ लाइनें लग जाती हैं। तेज आंच पर सिकते हुए सुरख और कड़क पराठों का मजा ही कुछ और होता है। फिर चाय का जो मजा इन होटलों पर आता है वो घर की चाय में कहाँ। चंद बरस पहले 5 रुपए का पराठा और 3.5 रुपए की सादा चाय आती थी। 5 रुपए में तो दूध पत्ती आ जाती थी, मगर जब से घी और चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है चाय पराठा भी महंगा हो गया है, लेकिन खाने वालों का रश फिर भी कम नहीं हुआ। पहले पहल इन होटलों में 3 साढ़े 3 इंच पत्थर की गोली प्याली में चाय मिला करती थी। महंगाई हुई तो खरीदार को मतमिन करने के लिए गोल प्याली की जगह छोटे कप और पर्च इस्तेमाल की जाने लगी। पेशावर के रवायती कहवा खानों से मिलती जुलती शक्ल के ये होटल करीब करीब कराची की हर आबादी और हर बस्ती में मौजूद हैं। खसूसन बड़े बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, बाजारों, कारखानों, फैक्ट्रियों, जेर तमीर इलाकों, नई आबादियों, यहाँ तक कि कुछ एक अच्छी आबादियों में भी ये होटल कायम है। कुछ होटल में तो चाय के साथ साथ दोपहर और रात तक का खाना भी मिलता है। दूसरे होटलों के मुकाबले में यहाँ के खाने कम कीमत होते हैं। अक्सर होटल रात गए तक खुले रहते हैं, इसलिए ये आम लोगों के लिए शाम से रात तक की तफरी का सामान भी है। बाद होटलों के आगे बड़ी तादाद में पीछे चारपाइयों पर टांग सारे सिगरेट के धुएं उड़ाते महदूद आमदनी का गला शिकवा, खानदानी ऊंच नीच का तस्करा और यार दोस्तों से खुशगपियां करते लोगों के रोल दिन भर की थकन इसी तरह उतारते हैं। फिर ये ऐसी तफरी भी है जो कम खर्च और मगर बाला नशीन। इसी बाला नशीन की बदौलत के कदीम ईरानी होटल खत्म हो गए, वरना इससे कबल चाय के ईरानी होटल कराची के बासी भी तफरी का हुआ करते थे। शहर के कई होटल तो बाकायदा पूरे शहर में मशहूर हैं, मसलन गुलबर्ग का कैफे प्याला, सुपर कैफे प्याला वगैरह। दिन हो या रात इन होटलों पर चाय पराठा हर वक्त दस्तियाब होता है। हो सकता है पहले सिर्फ सुबह के वक्त चाय पराठा मिलता हो, मगर अब जिस वक्त चाहे चाय पराठा मिल जाता है। आपसी झगड़े हों तो भी इन्हीं होटलों पर सुलह सफाई होती नजर आएगी। उधार लेने और देने के लिए यहाँ मीटिंग होती है और कभी कभार बात मजीद बिगड़ जाए तो हाथा पाई भी इन्हीं होटलों में नजर आती है। गोया जिस तरह तमाम मसाइल हंगामों और तमाम चौकड़ियों के साथ जिंदगी आगे की जानब गामजन है, इसी तरह ये होटल भी अपने तमाम तर खसूसियात और हर तरह के ऊंच नींच के साथ चल भी रहा और तेजी से बांट भी रहे हैं। लगता है जिंदगी के हंगामे ही इन होटलों की दरकम है। अल्लाह हाफिज़।